श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आप सबको बताएं कि पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर छोटे छोटे उपाय जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो की जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें अंत तक। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला जो उपाय है वो है हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय, बहुत ही सरल सा, बहुत ही आसान सा उपाय। और जो दूसरा उपाय है वो है धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो इस वीडियो में आपको दो उपाय मैं बताने वाली हूँ, बहुत छोटे छोटे से, बहुत ही सरल आसान से उपाय। कोई भी एक उपाय को आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। चलिए, पहले उपाय में आपको क्या लेना है ये बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको लेना है चंदन। जी हाँ दोस्तों, आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर, ठीक है। बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी पाउडर आपको लाल चंदन का लेना है। और इसका बना लेना है आपको पेस्ट। थोड़ा सा आप जल डालकर इस चंदन का पेस्ट बना लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही आपको लेनी है बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र। और बेलपत्र पर आपको उस लाल चंदन से जो बड़ी पत्ती होती है बेलपत्र की, बीच वाली बड़ी पत्ती पर दोस्तों आपको लगाना है सिर्फ एक बिंदी। लाल चंदन की सिर्फ एक बिंदी बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको लेना है तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल, और इसमें कुछ बूंदें आपको मिला लेनी है गंगा जल की। बस इतना ही करना है दोस्तों। ये तीन चीजें आपको लेनी है, लाल चंदन, बेलपत्र और साथ में लोटे में जल के साथ गंगा जल, ठीक है। आपने एक बिंदी जो है पेस्ट बनाकर बेलपत्र के ऊपर लगा लेनी है और इसको लेकर पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है ये, है माता अशोक सुंदरी वाला उपाय। तो इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र और जल को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। और आप क्या करेंगे, जो हमारा बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इसे समर्पित कर देना है। पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ में और डंठल होना चाहिए जलाधारी की तरफ दोस्तों। और इसके बाद जो आपके पास में जल है उस जल को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको जो जल है वो पूरा एक साथ समर्पित नहीं करना है, धीरे धीरे करके उसको 7 times आपको उस जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित करना है। कितनी बार? 7 times। और पूरा जल आपको खत्म नहीं करना है दोस्तों, आपके लोटे में आपको जल बचा कर रखना है। बचे हुए जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है 3 times। कितनी बार? 3 times शिवलिंग के ऊपर आपको इस जल को समर्पित करना है। और ध्यान करना है भगवान का, कुंडकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए आपको यह जल जो है वो महादेव के ऊपर समर्पित करना है दोस्तों। यकीन मानिएगा कि आपके घर में जो भी परेशानियां वो सब खत्म हो जाएंगी। और जिस भी इच्छा से आप, जिस भी इच्छा मनोकामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को अर्पित कर दीजिए 3 times। और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 times आपको जल अर्पित करना है। बस इतना सा उपाय, छोटा सा सरल सा उपाय आपको करना है दोस्तों। यकीन माने कि आपकी मनोकामना जो भी है, जो भी मनोकामना है वो इस श्रावण मास में जरूर पूर्ण होगी। भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे और उसको जरूर से ही पूरा करेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जो है वो है हमारा धन संपदा के लिए। अब धन संपदा ये भी हो सकती है कि भाई आपके घर में धन आता ही नहीं है। एक धन संपदा का ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस व्यापार पहले तो अच्छे चलते थे लेकिन अब उनमें कुछ रुकावट आ गई है, कहीं कुछ अड़चने आ गई हैं, कहीं रुका हुआ धन है आपका दोस्तों और वह वापस नहीं आ पा रहा है, धन की वृद्धि आपके घर में रुक गई है। तो किसी भी तरीके की धन को लेकर अगर आपकी समस्या है तो इस अगले उपाय को आपको करना है, जो की धन वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए इस उपाय को किया जाता है दोस्तों। सबको पता है कि अगर लक्ष्मी कृपा के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कमलगट्टा। बहुत सारे नहीं, बस सिर्फ एक कमलगट्टा आपको लेना है दोस्तों। और इस एक कमलगट्टे से ही इस उपाय को हम करेंगे। साथ ही साथ आपको लेना है एक लोटा और उसमें लेना है आपको जल। बस
साथ में लेंगे एक बहुत प्यारा सा बेलपत्र, अगर आपको मिल जाता है तो, क्योंकि वो तो हमेशा ही शिवलिंग पर समर्पित होता है। और अगर नहीं भी मिलता है तो आपको सिर्फ तीन चीजें इसमें चाहिए है, आपको लेना है जल, साथ में दही लेना है, और महादेव के समक्ष पहुंच जाना है दोस्तों एक कमलगट्टे के साथ में। जो कमलगट्टा आप लेने वाले हैं उसको उस पात्र में ही डाल लीजिएगा, पात्र है दोस्तों उस तांबे के पात्र में ही आपको उस कमलगट्टे को डाल लेना है, साथ ही जल लेना है, कुछ बूंदे आप गंगा जल की भी उसमें डाल सकते हैं, और दही इतना लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में शिवालय में दोस्तों। और अब आपको इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपने दही लिया है उस दही का आपको लेपन करना है दोस्तों शिवलिंग के ऊपर। बहुत थोड़े से दही की जरूरत है, सिर्फ एक चम्मच दही से आप इस उपाय को कर सकते हैं। दही का बहुत प्यार से बहुत आराम से आप लेपन कर दीजिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर में दोस्तों। और जो आपके पास जल है, जो आपके पास जल है दोस्तों, वो जल आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। और उस जल को जब आप समर्पित करेंगे तो आपको किसका ध्यान करना है, आपको ध्यान करना है माता रिद्धि सिद्धि का। माता रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए जब आप उस जल को समर्पित करते हैं दोस्तों, तो वो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे आता है। जब जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे आ रहा है दोस्तों, इस जल को किसी पात्र में आप इकट्ठा कर लीजिएगा और इस जल को आपको लेकर आ जाना है अपने घर। जी हाँ दोस्तों, महादेव के ऊपर जल को समर्पित करते समय रिद्धि सिद्धि माता का ध्यान कीजिए, अपनी समस्या अपनी परेशानियां उनको बताइए, और जलाधारी से बहते हुए जल को जब आप अपने घर लेकर आते हैं तो इस जल को पूरे घर में आपको छिड़क देना है, वॉशरूम को छोड़कर, वॉशरूम में नहीं करना है, बाकी पूरे घर में आप इस जल को छिड़क दीजिए। बचा हुआ जो जल है उसको किसी हरे भरे वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर दें दोस्तों। यकीन मानिए कि इन उपायों को करने से आपकी सारी समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको दो उपाय बताए, पहला जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए, और दूसरा उपाय जो है वो धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है। कोई भी उपाय आप करना चाहें, दोनों उपाय आप करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। इस श्रावण मास में जो उपाय आप करेंगे दोस्तों उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। भगवान शिव का माह है, बहुत ही अच्छा पर्व है ये, तो आज के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगती होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में और अधिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल।